हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिग बॉस 14 विनर और टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक रुबीना दिल्लेख इन दिनों कैपटाउन में है। रुबीना यहाँ स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग कर रही है। रुबीना ने रोहित शेट्टी के शो में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली है और जब से देखे फैंस को इस बात की जानकारी हुई थी कि रुबीना इस शो में हिस्सा लेने जा रही है, सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी फेवरेट स्टार को खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की ट्रॉफी उठाते देखने की इच्छा जाहिर करना शुरू कर दिया। लेकिन अब रुबीना ने जो ट्वीट किया है उसने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। रुबीना दिल्लेख का ट्वीट अब सुर्खियों में है, जिसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि रुबीना रोहित शेट्टी के शो से बाहर हो गई है। दरअसल रुबीना दिल्लेख ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हार जीत और ईमानदारी को लेकर फैंस से एक सवाल किया है और इसे देखने के बाद यूजर्स ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि एक्ट्रेस खतरों के खिलाड़ी 12 से बाहर हो गई है। रुबीना दिल्लेख ने अपने ट्वीट में ये लिखा, बेईमानी से जीतना या ईमानदारी से हार जाना, आप किसे चुनेंगे? रुबीना का देखिए यही ट्वीट अब सुर्खियों में है। एक्ट्रेस का ट्वीट देखने के बाद फैंस ने अब उनसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं। एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा, व्हाट द हेल, नो यार। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, यू आर एविक्टेड फ्रॉम KKK 12। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, मैं जो सोच रहा हूँ वो ना हो प्लीज। वहीं एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, आई डोंट थिंक रूबी इतनी जल्दी आउट हुई होंगी, कुछ और रीजन है शायद। तो देखा आपने, रुबीना के फैंस परेशान हो गए हैं और अब रुबीना शो से बाहर हुई या नहीं इसे लेकर अभी मेकर्स और खुद रुबीना की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब आपको ये बता दें कि रुबीना दिल्लेख लगातार कैप टाउन से अपने नए नए वीडियोस शेयर कर रही हैं जिसमें वो अपने को कंटेस्टेंट्स के साथ खतरों के खिलाड़ी 12 की अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए दिखाई देती हैं। रुबीना देखिए अपने वीडियोस और तस्वीरों के जरिए लगातार फैंस के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे सेंटर में रुक, मैडम जी मैं अभी थोड़ा साबुन से बिना जी, यो अविनाश को देखिए। यहाँ पे देखिए रुबीना जी, मैम एक मिनट देखिए ना, बहुत डांटी अभी लिफ्ट में जाकर, बहुत डांटा, बाद में कर लेना प्लीज, इतना किया ना, इतना लिया अपन।